इमेज जो हमारी आंखों जैसा होता है, इसमें मैक्सिमम इमेजेस कैसी बनती है? रियल, इन्वर्टेड, डिमनेस भी बन रही थी और इनलार्ज भी बन रही थी, बट रियल इन्वर्टेड बन रही थी। हाँ, एक केस था जिसमें इमेज जो थी वो क्या बन रही थी, वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड। वर्चुअल भी बन रही थी, इरेक्ट भी बन रही थी, एनलार्ज्ड भी बन रही थी। सीधी इमेज बन रही थी और बड़ी। यही चीज़ माइक्रोस्कोप में यूज़ होती है, तो मतलब माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, और उसमें कौन सा केस यूज़ होता है, बिटवीन ओ एंड F1। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम कॉनकेव लेंस के बारे में। कुछ ऐसा दिखता है कॉनकेव लेंस, कितना बल्जिंग है ये टॉप में, बट ये नैरो हो जाता है तुम्हारा सेंटर में। इसमें दो ही केसेस होते हैं। अच्छा, पहले हम इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग समझ लेते हैं, क्या होती है। ये ओ, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला पैरेलल जाती है रेस और ऊपर चली जाती है, देखो नीचे नहीं जा रही, तभी इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ऊपर जा रही है और पीछे डॉटेड F1 से निकल रही है, तो देखो F2 का तो कोई रोल ही नहीं है, F1 से निकल रही है। और दूसरी O में जाती है और O में जाती है, O से ही क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। तो पहला हम लोग देखते हैं केस, पहली ऐसे पैरेलल गई, ऊपर चली गई, F1 से निकली, ऐसे पैरेलल गई, नीचे चली गई, F1 से निकली। तो इमेज कहाँ बन रही है, F1 पे ही बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में जब भी इमेज बनेगी ना लेंस के केस में, तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज्ड। दूसरा ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी खड़ा कर दो, तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ पर कहीं पर भी खड़ा कर दो, एक ही केस बनेगा। तुम्हें जहाँ खड़ा करना है यहाँ कर दो, बियॉन्ड कर खड़ा करना है यहाँ खड़ा करना है यहाँ, बनेगी एक ही जैसी इमेज। ऐसे जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, F से निकलेगी, दूसरी O से निकलेगी, और हमेशा बनेगी कहाँ पे, बिटवीन O एंड F। कहाँ बनेगी, बिटवीन O एंड F1। और कैसी बनेगी, सीधी बन रही है, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मैं वो फिर से देख लो कैसे बन रही है। कहीं पर भी खड़ा कर दो, पहले पैरेलल जाएगी, ऊपर जाएगी, F1 से निकलेगी, दूसरी O से निकलने की कोशिश करेगी, और यहीं पे मिल जाएंगे दोनों, बिटवीन O एंड F1 बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि अगर मैं तुमसे कहूँगी कि रियल इमेजेस बन रही हैं, तो हमेशा वो कॉन्वेक्स लेंस पे बनती हैं। अगर मैं तुमसे कहूँगी वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड बन रही है या मैग्नीफाइड बन रही है, तो भी वो कॉन्वेक्स में ही बनेगी, बिटवीन, जब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा बिटवीन ओ एंड F1। और कॉनकेव लेंस में केवल, कॉनकेव लेंस जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, उसमें केवल जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगी। अगर वर्चुअल, इरेक्ट एंड लास्ट बन रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस में बनेगी, कॉनकेव लेंस में नहीं बनेगी। देखो कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज भी बनती है और एक केस में वर्चुअल इमेज भी बनती है, बट वो वर्चुअल इमेज एंड लास्ट होती है। कॉनकेव ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आंखों की। ये आंखें हैं, ठीक है, ये आंखें हैं, ये कॉर्निया है जो सबसे वाइट बल्जिंग पार्ट है, कॉर्निया है, और ये हमारी आंखों का कॉन्वेक्स लेंस है। कॉर्निया और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में बहुत सारा मिक्सचर है, लिक्विड है, उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। फिर ये हमारा लेंस है और ये हमारी रेटिना स्क्रीन है, जहाँ पे हमारी इमेज बनती है आंखों की।
इन दोनों के बीच में भी लिक्विड है, उसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आंखों में तो जो इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है, बट ये तो उल्टी है, हमें तो चीज़ें सीधी दिखाई देती हैं, क्योंकि ऑप्टिकल नर्व होता है यहाँ पे, ऑप्टिकल नर्व जो होता है ब्रेन पे इमेज को लेकर जाता है और ब्रेन उस इमेज को सीधा कर देता है, तो बनती रेटिना पे, रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ द आईज, उस पर बनती क्या है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। ऑप्टिकल नर्व के थ्रू क्या होता है, ब्रेन में जाता है और ब्रेन उसको सीधा कर देता है। इस पूरी आईज में बहुत सारे सेल्स हैं एंड दे आर सेंसिटिव टू लाइट, राइट। हमारी आंखों में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक रॉड्स और एक कोन्स। रात के समय हमें रॉड चाहिए होती है देखने के लिए, मतलब ट्यूबलाइट को भी हम लोग कहते हैं ना रॉड है, तो जो रॉड्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टू डिम लाइट, और कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। उल्लू रात में देख लेता है तो उल्लू के पास रॉड्स होंगे ज़्यादा, कुछ लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होती है मतलब उनमें रॉड्स कम होंगे, कुछ लोग दिन के समय बहुत ज़्यादा अच्छा देख लेते हैं उनमें कोन्स ज़्यादा होंगे, कुछ लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होती है मतलब उनकी आंखों में रॉड्स नहीं होंगे। इज इट क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है आंखों में जहाँ पे कोई भी सेल्स नहीं होते हैं, देर आर नो सेल्स विच आर सेंसिटिव टू लाइट। फिर एक ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन में जाती है जो भी रेटिना ने इमेज बनाई होती है, फिर ब्रेन उसको सीधा कर देता है। नेक्स्ट, आंखों के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हमें अपना बीपी चेक करना चाहिए, आईज को प्रॉपर वॉश करना चाहिए, जब कोई मूविंग व्हीकल हो तो हमें देखना नहीं चाहिए, रीड नहीं करना चाहिए, है ना। इसके अलावा आंखों का डोनेशन करना चाहिए और डर्टी हैंड से आईज को नहीं टच करना चाहिए, रबिंग नहीं करनी चाहिए। दीज आर द सिंपल प्रिकॉशंस। अब नेक्स्ट थिंग जो आपको समझने वाली बात है वो ये है कि मान लो मैं कहूँ कि मुझे मायोपिया है, सच है कि मुझे मायोपिया है। मायोपिया का मतलब है कि मैं पास का तो देख लेती हूँ और मैं दूर का नहीं देख पाती हूँ बिना चश्मे के। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, देखो आंखें मिनिमम 25 देख सकती हैं और मैक्सिमम इन्फिनिटी देख सकती हैं, पर मेरी आंखें जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है उसकी तो इमेज मेरी रेटिना पे बनती है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, बताओ रेटिना तक ही नहीं पहुँच रही तो इमेज दिखेगी कैसे मुझे। डॉक्टर देखता है, अच्छा तुम ये देख पाते हो ये नहीं देख पाते, तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें दूर का नहीं देख पा रहे हो तुम, है ना, तुम दूर का नहीं देख पा रहे हो, तो तुम्हें दूर का देखने के लिए हम कौन सा लेंस लगा देंगे, कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। क्या है वो डाइवर्जिंग, वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये लेंस, इस लेंस की वजह से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन मतलब ऐसे ऐसे, और फिर जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट रेज मिलेंगी और मुझे लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहीं खड़ा है जहाँ तक मैं देख सकती थी, वही मेरे आंखों का नंबर होता है, बल्कि ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर खड़ा था पर इन लेंस की वजह से क्या हुआ, ये ऐसे गई रे और ये ऐसे वहीं पर आके खड़ी हो गई जहाँ पे मैं देख सकती थी, तभी वो आंखों का नंबर इतना इंपॉर्टेंट है। और फिर उसकी जो अभी तो इमेज नहीं बन पा रही थी इसकी, अब इसकी इमेज क्या हो जाएगी, फिर रिफ्रैक्शन होगा मेरी आंखों से, ये जो ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे खड़ा हुआ दिख रहा है इसका रिफ्रैक्शन हुआ आंखों से और मुझे लगा मेरी स्क्रीन पे इमेज बन गई, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा था पर मेरी आंखों ने मुझे चश्मे ने दिखाया कि यहाँ खड़ा है, तो जब यहाँ पर मुझे मेरे चश्मे को लगा, चश्मे की वजह से मुझे लगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर खड़ा है तो उसकी इमेज बन गई रेटिना पे। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मतलब है कि मैं दूर का देख पाती हूँ पर पास का नहीं देख पाती, दूर का तो दिख रहा है मुझे, जब ये पास का है तो इमेज बाहर जा रही है रेटिना पे ही नहीं बन रही, तो वो क्या करेगा, इस केस में वो कॉन्वेक्स लेंस ही लगा देगा, क्या लगा देगा, तो क्या होगा, ये जो पास की इमेज है
ये वो डाइवर्ज करके मुझे लगेगा कि ये इसको और ना, ये मतलब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है पास का, इसको ये और डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज मतलब इसको ये और बेंड कर देगा रे ऑफ लाइट को। वो जितना ज़्यादा बेंड होगी वो उतनी जल्दी रेटिना से क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर वो दूर जा रही थी, यहाँ पे आपने एक और लेंस लगा दिया तो वो और बेंड हो गई लाइट। क्या हो गई बेंड लाइट, जब बेंड हो गई, जितनी ज़्यादा बेंड होगी उतनी जल्दी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। आँखी नहीं बन रही है, ये है यहाँ पे भी एक बना दिया, तो ये जो है ये, इसकी वजह से ये और बेंड हो गया, और बेंड हो गया, और ये यहाँ पे बन गई। अगर ये नया होता, चश्मा ना हो, तो ये ऐसे जाएगी बाहर चली जाएगी ये, पर इसकी वजह से बेंड होती जा रही है, इस चश्मे की वजह से। चश्मे से जैसे निकल रही तो और बेंड हो रही है, तो मिल गई। आँखों की जो पार होती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें लिखा होता है डी, डी मतलब होता है डियोप्टर। जैसे कि मेरी जो है वो है प्लस टू डियोप्टर है मेरी आँखें, ठीक है। क्योंकि अभी मैं दूर का नहीं देख पाती हूँ, मैं मायोपिक हूँ, जो पास का नहीं देख पाता है उसकी माइनस में होती है, माइनस वन डियोप्टर, माइनस टू डियोप्टर, दैट्स इट।